हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशालकाय है। हमारे इस बड़े से ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों चांद, तारे और ग्रह पाए जाते हैं। भला आप एस्ट्रॉइड को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं जो कि इसी ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। हालांकि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं, जिनमें ये बात सच है कि एस्ट्रॉइड भी हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जिनके बारे में अभी भी हम बहुत कम जानते हैं। अरबों खरबों की संख्या में पाए जाने वाले एस्ट्रॉइड न जाने कब कहां से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ चले आते हैं। हालांकि कहा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड अभी भी मौजूद हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के समय से ही पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे एस्ट्रॉइड जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बनने के बाद बच गए, वो आज भी हमारे सोलर सिस्टम के आसपास मंडराते रहते हैं। इन्हीं में से एक एस्ट्रॉइड है ट्रोजन एस्ट्रॉइड, जिसके लिए नासा ने अपना लूसी मिशन लॉन्च किया है ताकि जाकर वहां पर इसको एक्सप्लोर करे और जान सके कि आखिर हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर क्या पहले से मौजूद थे जो कि ट्रोजन एस्ट्रॉइड पर मिल सकते हैं। 16 अक्टूबर 2021 को नासा ने अपना लूसी मिशन लॉन्च किया था, जो कि दुनिया का पहला स्पेस मिशन था जो कि इस तरह के ट्रोजन एस्ट्रॉइड को एक्सप्लोर करने वाला था। इसका मेन मकसद ये था कि यह ट्रोजन एस्ट्रॉइड को जाकर जांचे और परखे और पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर ट्रोजन एस्ट्रॉइड का हमारे पृथ्वी से क्या लेना देना है। इस तरह के ट्रोजन एस्ट्रॉइड हमारे सोलर सिस्टम में भरमार में पड़े हुए हैं, यानी कि बहुत सारे संख्या में, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बाद बच गए, आज भी जुपिटर के चारों तरफ झुंड में घूमते रहते हैं और यह हमारे सन के चारों तरफ इसी तरह चक्कर लगाते हैं। नासा के लूसी मिशन के द्वारा इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है एक स्टडी में कि आखिर हमारे पृथ्वी पर जो पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मैटर है, कहीं ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड से मिलता जुलता तो नहीं है। इसके लिए नासा 6 अलग अलग तरह के ट्रोजन एस्ट्रॉइड की स्टडी करेगा, जो कि एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से की जाएगी। इसमें वो उसके जियोलॉजी, सरफेस और कलर और कंपोजिशन के बारे में जांच करके इस बात का अंदाजा लगाएगा कि आखिर हमारे पृथ्वी और ट्रोजन एस्ट्रॉइड में क्या समानताएं हैं। ये बात तो साफ है कि अगर लूसी मिशन अपने मकसद में कामयाब होता है तो नासा को इस बात का जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारे सोलर सिस्टम के जन्म से पहले आखिर हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या मौजूद था, क्योंकि इस तरह के जो ट्रोजन्स हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के जन्म से पहले से हैं और आज भी हैं और आगे आने वाले समय में भी पाए जाएंगे। ऐसे न जाने कितने एस्ट्रॉइड हमारे बड़े से ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं ऐसे ही, जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते। ये पूरी तरह से रहस्यमय है। अब देखना ये होगा कि नासा को आखिर इस ट्रोजन एस्ट्रॉइड से क्या मिलता है और हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन का इससे क्या लेना देना है।